का सिर्फ एक ही रूप नहीं है, सत्य बहुआयामी। हम जिस निगाह से देखते हैं सिर्फ वही सत्य नहीं है, आपका सत्य वह है जिस दृष्टि से आप देख रहे हैं। जैनियों के यहाँ एक बड़ा सुंदर सिद्धांत है, अनेकांतवाद, जिसे स्यादवाद कहते हैं। वो हाथी वाली कथा पता है ना? अंधे ने हाथी को देखा, जो जिस अंग को पकड़ा हाथी उसको वैसा नजर आया। किसी को खंभा नजर आ रहा है, किसी को सूप नजर आ रहा है, किसी को झाड़ू नजर आ रहा है और किसी को दीवार नजर आ रहा है। सभी सत्य हैं, कोई झूठा नहीं। तो ऐसा दृष्टिकोण ज्ञान के प्रति भारतीय मानस का, भारतीय चिंतन का रहा है। अब ज्ञान परंपरा की बात हो रही है, तो इस ज्ञान परंपरा की विशेषता क्या है? इस ज्ञान परंपरा की विशेषता यह है, यह विश्व की सबसे प्राचीनतम, एक एक शब्दों पे गौर कीजिएगा, विश्व की सबसे प्राचीनतम और अद्यतन ज्ञान परंपरा है। परा और अपरा विद्या के रूप में जो ज्ञान को विभक्त किया गया है, परा मतलब ब्रह्म विद्या, जीवन जगत माया संसार आत्मा परमात्मा सृष्टि का जिसमें चिंतन है उसे परा विद्या कहते हैं, और अपरा विद्या वह है जिसमें सांसारिक विषयों का, समाज नीति अर्थशास्त्र वाणिज्य कृषि संगीत कला साहित्य का जिसमें चिंतन है वह अपरा विद्या है। दावे के साथ कहता हूं, ज्ञान का कोई भी ऐसा क्षेत्र, कोई भी ऐसा कोना नहीं है जो इस परा और अपरा विद्या के दायरे से छूट गया। और इस लिहाज से दुनिया का सबसे समृद्धतम, ये कोई ज्ञान परंपरा हमें दिखती है तो वह है भारतीय ज्ञान परंपरा। जरा देखिए, हमारे ऋषि मुनि सिर्फ देवताओं की बात नहीं कर रहे, सिर्फ ब्रह्म की बात नहीं कर रहे, सिर्फ माया की बात नहीं कर रहे हैं, खेती के तरीके पर भी वह सोच रहे हैं, संगीत के सुरों पर भी वह सोच रहे हैं, समाज कैसा हो, विधान कैसा हो, राजा का शासन कैसा हो, इस पे भी सोच रहे हैं। और तो कितने प्रगतिशील थे, कितना स्वस्थ दृष्टिकोण था जीवन जगत के प्रति। हमारे यहां काम को भी शास्त्र का दर्जा दिया, सिर्फ वेद ही नहीं रखे गए भारतीय ज्ञान परंपरा में, काम शास्त्र भी रचा गया। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारा दायरा कितना व्यापक था, हमारी दृष्टि कितनी स्वस्थ थी। यह भारतीय ज्ञान परंपरा।